कुछ नहीं है तुम्हारे पास साधन? कुछ भी नहीं है, ना चावल ना दाल ना आटा ना पैसा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अब क्या चाहती हैं आप, आपके क्या करना चाहिए आपके लिए? क्या करना चाहिए, दिलवाओ किसी से हमको मदद। आपके पास ये बच्चे हैं? बच्चे इतने सारे हैं, भूख के मारे मल, हम भी मल भूख के मारे, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो ऐसा हुआ कि बहन जी ने यहाँ पे रोक लिया हमको, खाने पीने की व्यवस्था कर दी है 2 दिन की बस। अभी हम अधिकारियों से बात करते हैं, ये आप आपकी बात हमने रिकॉर्ड कर ली है और DM और SDM दोनों को आपकी बात पहुँचाते हैं और जितनी हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपके पूरे 40 लोगों के परिवार को हम आगरा से जो जो भी यहाँ आते जा रहे हैं उनकी सबकी मदद इनकी हम करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार और ये शासन और प्रशासन तुरंत इन ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और आटा दाल जो गरीब परिवार के लिए सरकार ने घोषणा की है वो ऐसे लोगों को दिलवाए। और SDM महोदय खास करके बहा के उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि 40 लोग जैतपुर में फंसे हुए हैं औरैया के और 40 लोग ये अभी धीरे धीरे करके पैदल पैदल आगरा से आए हैं, यहाँ तिराए पर रुके हैं, हमने इनको रोका है, इनको दाल आटा दे रहे हैं जितना स्तर का है। लेकिन हम SDM महोदय से कहना चाहते हैं कि आप भी अपने स्तर से ऐसे लोगों की मदद कराएं और जहां ये पहुंचना चाहते हैं इनको पहुंचाने की कृपा करें। रख लो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।